हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए फ्रेंड्स, तो आज हम बात करें कि अगर हेगलन्स डिफॉर्मिटी हम लोगों को हो गई है किसी भी वजह से, बोनी प्रोमिनेंस पोस्टीरियर सुपीरियर एंकल के हमारे हो गया है, तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेचेज और एक्सरसाइजेज हम करने वाले हैं जिससे हमारी हेगलन्स डिफॉर्मिटी ठीक हो जाएगी और इसका जो पेन और इन्फ्लेमेशन है वो पूरी तरह से चला जाएगा। देखिए, जितने भी हम एंकल पेन डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारी एक्सरसाइज उसकी मिलती जुलती हैं, तो आप कोई भी अगर एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में ले आएंगे तो जो एंकल पेन की आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक आपके लाइफस्टाइल और आपके जीवन शैली से चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हेगलन्स डिफॉर्मिटी में क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो फ्रेंड्स आप लोगों को हेगलन्स डिफॉर्मिटी में करनी है वो है हमारा टॉवल स्ट्रेच, क्योंकि एकिलीज टेंडन जहाँ पे इंसर्ट होता है वहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस का निकल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमेशा इन्फ्लेमेशन रहता है और बर्साइटिस होने के चांसेस रहते हैं। टेंडो एकिलीज स्ट्रेच या टॉवल स्ट्रेच अगर हम काफ मसल्स का हमेशा करते रहेंगे तो जो हमारी काफ मसल्स है वो टाइट नहीं होगी और टेंडो एकिलीज टेंडन भी हमारा हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगा, जिसकी वजह से हमें हील पेन होने के चांसेस कम हो जाएंगे और जो अगर हमारा हील पेन है या एंकल पेन है वो बहुत ही जल्दी चला जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू डू अ टॉवल स्ट्रेच। टॉवल स्ट्रेच मॉर्निंग इवनिंग आपको करना है एटलीस्ट 15-20 टाइम्स। द सेकेंड एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू इज द क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच इज ऑल्सो वेरी सिंपल फ्रेंड्स, जिसमें आप किसी भी तरह खड़े हो कि यू जस्ट वॉट यू हैव टू डू इज सिंपली आपको अपने लेग को पीछे की तरफ लेके जाना है। सो इस स्ट्रेच को अगर आप करेंगे तो क्वाड्रिसेप्स मसल भी आपकी ठीक रहेगी, जिसकी वजह से आपको पूरे पैर में या एंकल में दर्द नहीं होगा। द थर्ड स्ट्रेच वॉट यू हैव टू डू इज योर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच जैसा कि आप देख सकते हैं, खड़े होकर आप आगे फॉरवर्ड बेंड करेंगे, किसी भी स्टूल पे अपना पैर रखकर और एंकल को अपने डॉर्सिफ्लेक्शन अपनी तरफ लेके जाएंगे, तो इससे आपका हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच पड़ेगा। हैमस्ट्रिंग अगर टाइट नहीं होगी तो आपको ना तो बैक पेन की शिकायत रहेगी और ना ही आपके एंकल पेन होगा। देखिए फ्रेंड्स, मोस्टली ये जो उन लोगों में होता है जो या तो एक पैर पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं हमेशा खड़े होने या चलने में, या फिर उन लोगों में जो लोग थोड़ा सा पैर बाहर सुपिनेशन में करके चलते हैं ना, जो लोग आपको देखा एंकल को बाहर को थोड़ा सा ऐसे करके चलते हैं, जिनकी आदत है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखते, या फिर जिनकी हाई आर्च होती है, आर्च बहुत ज़्यादा है ना, मिरर में आप देखेंगे तो आर्च उनकी बहुत ही ज़्यादा होगी, उन लोगों में आर्च ज़्यादा होने की वजह से उनका जो पैर है वो बाहर की तरफ सुपिनेशन में चला जाएगा, तो इन केसेस में हेगलन्स डिफॉर्मिटी होने के चांसेस रहते हैं। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू इज सिंपल, यू हैव टू डू योर एंकल टो पम्प्स। जैसा कि आप देख सकते हैं एंकल टो पम्प्स आपको एटलीस्ट 30-40 टाइम्स करें ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन एंकल की अच्छी रहे, मोबिलिटी अच्छी रहे और इससे आपकी पूरी बॉडी का वार्म अप भी एक तरह से हो जाएगा। सो एंकल टो पम्प्स ऑल्सो यू कैन डू, इसमें कोई भी हार्म नहीं है, सो आप 30-40 टाइम्स तक कर सकते हैं। द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू इज सिंपली यू हैव टू टेक अ रोलर। रोलर वगैरह आपने यूज़ किया, इससे आप अपने पंजे के नीचे रख देंगे और इससे आप इसको रोल करेंगे एटलीस्ट 20-30 टाइम्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। द नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज जब भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पेन हो तो आप तुरंत अपने पैर को गर्म पानी में 15 मिनट्स के लिए एटलीस्ट डाल लीजिए। 15 मिनट्स बाद आपको क्या करना है कि आप ऑलिव ऑयल लेके उसकी जहाँ पे भी आपकी डिफॉर्मिटी है उसको थोड़ा सा सर्कुलर मोशंस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप अपने हेगलन्स जहाँ पे भी आपके पेन और इन्फ्लेमेशन सूजन हो गई है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप उस डिफॉर्मिटी के जहाँ पे भी है उसकी आप लोगों को मसाज करनी है। ये आपको दिन में 2 बार करनी है एटलीस्ट 5-7 मिनट्स के लिए। इससे भी आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ आएगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रोमिनेंस आपकी बहुत ही ज़्यादा है तो आप सिलिकॉन इंसोल्स यूज़ करिए या फिर हील कुशंस आते हैं ना, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, अगर आप जितना ये पहनेंगे तो धीरे धीरे करके डिफॉर्मिटी उतनी ही अंदर चली जाएगी। ज़्यादा पेन है तो आप किसी भी नियर बाय फिजियोथेरेपी सेंटर में चले जाइए, वहाँ पे आप अल्ट्रासोनिक थेरेपी या फिर माइक्रोकरेंट्स ट्राई करिए अलॉन्ग विद दीज स्ट्रेचेस। दीज स्ट्रेचेस यू हैव टू डू डेली। द नेक्स्ट स्ट्रेच विच यू हैव टू डू इज योर पायरीफॉर्मिस स्ट्रेच। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं इज दिस यू आर टेकिंग योर क्लचिंग योर बोथ नीज है ना, दोनों हाथ से आप अपने नीज को पकड़े और अपने शोल्डर तक लेके गए, तो जो नीचे वाला आपका पैर है उसमें आपके पीछे पॉकेट एरिया पे पायरीफॉर्मिस मसल जहाँ पे होती है वहाँ पे एक स्ट्रेच सा फील होगा। सो यू हैव टू कीप डूइंग ऑल दिस स्ट्रेचेस कंटिन्यूअसली टू गेट रिड ऑफ दिस पेन। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच यू हैव टू डू इज स्टैंडिंग में काफ स्ट्रेच। जैसा कि वॉल पे आप पैर अपना रखा है आपने और आप उसकी वॉल की तरफ आगे जा रहे हैं, तो दिस इज मेनली अ काफ्स
स्ट्रेच स्टैंडिंग में भी करिए, आप टॉवल स्ट्रेच भी करिए। तो फ्रेंड्स कोशिश करिए हील्स पे आप खड़े ना हो कभी भी, ठीक है। हील वॉक या हील्स वगैरह आपको पहनने भी नहीं है, इल फिटिंग शूज़ भी नहीं पहने, टाइट शूज़ भी नहीं पहने। तो ये सब आप प्रिकॉशंस लेंगे अपनी लाइफस्टाइल में तो आपका ये जो एंकल का पेन है ये बहुत ही जल्दी चला जाएगा, हेगलन्स डिफॉर्मिटी जल्दी चली जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यूरिक एसिड लेवल्स आप अपनी ज़रूर चेक करा के रखें, यूरिक एसिड लेवल्स आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन लोगों में कैल्केनियल्स पर या कैल्शियम क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स बात एक्सरसाइज ऑन हेगलन्स डिफॉर्मिटी। अगर आप लोगों को हेगलन्स डिफॉर्मिटी है या कोई भी आपकी क्वेरी या डाउट है तो कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज का आंसर बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।